पटेलू हाय बोलो। हाय हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हमारी तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है क्योंकि हिमायर हमसे सुबह मिलने आ चुकी है। चिकू नहाने गए? नहीं नहीं हाँ ओके अंदर, हाँ अंदर गए। तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट मुझे करना है और हिमायरा हमारे साथ आई है तो हिमायरा के साथ थोड़ी मस्ती भी करेंगे। क्या करना है हिमायरा? टिकू का क्या करना है? नहीं नहीं करने गए टिकू तो चाचा चिक्के चिक्को ये कहते चिक्को चिक्को। तो अभी मैं करती हूँ मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी और हिमायरा के साथ ही साथ मस्ती भी करेंगे। नाचो 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 डांस डांस नाचो जी नाचो नाच। थोड़ा डांस तो हिमायरा का हो चुका है, थोड़ा बाकी है। थोड़ी देर बाद वापस कहेगी लगाओ लगाओ तो तब वापस लगाएंगे। नाचू गया तो मुझे करनी है अभी बेडशीट चेंज। तो बेडशीट चेंज कर देती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, चेंज ही नहीं कर पाई हूँ। कुछ ना कुछ काम याद आ ही जाते हैं और बेडशीट चेंज करने के लिए मुझे प्रॉपर आधा घंटा चाहिए। ये निकालना लगाना बहुत ज़्यादा मेरे लिए बड़ा काम हो जाता है। बाद बेडशीट चेंज कर देते हैं। अभी मैं और हिमायरा दोनों कम्बू कम्बू खेल रहे हैं। वाव मजा आ रही है। ये हाई फाई का तो कम्बू कम्बू में बहुत मजा आ रही है। हाई का तो हाई वाव मजा आ रही है। मजा आ रही है। बाइश 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 कर रहे अंदर। बाइश 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 और बाइश बाइश। चाचा चाचा भी आएंगे, चाचा को भी अंदर ले लेंगे ना। चिकू नहीं चिकू नहीं क्यों नहीं चिकू बैश 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 बैश। हिमायरा को तो बहुत मजा आ गया अंदर। अंदर मजा आ गई अंदर। चादर तो बिछा भी नहीं पा रहे हम जल्दी से। मजा आ गई इसलिए। ओ हिमायरा का गई। ओ ये चादर का बिछाएंगे अपन। नहीं बिछाने मजा आ गई कम्बू कम्बू करते। तो चादर तो मेरे को कब बिछाने देगी क्या पता ही है। कौन है कौन है कौन है? इम्मी कौन है? तो फ्रेंड्स बेडशीट तो मैंने लगा दी, बड़ी मुश्किल से लगा पाई क्योंकि हिमायत ही खेल रही थी साथ साथ में। और यहाँ पर पानी भर दूँ, इसको बंद कर देती हूँ। यहाँ बेडशीट लग चुकी है और लंच भी मैंने प्रिपेयर कर दिया है। लंच में आज बनाया है जूस, बपड़ी, दाल और चावल। तो चलो आपको बताती हूँ। ये जूस ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखा है, ये दाल, चावल और ये बपड़ी। तो कंप्लीट खाना हो गया है, अब खा भी लेते हैं। चिकू को बुला देती हूँ। और घर पे अभी आए हैं गेस्ट, यानी हमारे गांव से आए हैं। तो मम्मी बैठ के बातें कर रहे हैं, तो मम्मी को थोड़ा लेट होगा बट मैं भी थोड़ी देर बाद लंच करूँगी। लंच हो चुका है क्योंकि लंच करने में हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए। 2:30 बजे हमने अभी लंच किया है। 2:30 बजे लंच करना स्टार्ट किया था, अभी 3 बज रही है। गेस्ट आ गए थे इसलिए लंच टाइम पर हो नहीं पाया। पर अब चलते हैं शॉप पर और कस्टमर भी आ गए हैं। तो चिकू भी आज, तो चिकू ने मेरे साथ खा लिया क्योंकि आज जूस और बपड़ी बनाई थी इसलिए। वो आज अपन दोनों मैचिंग बना है और अच्छे लग रहे हैं अपन। तुम्हारा ब्लू है, मेरा ब्लैक है। तो मेरा भी ब्लैक ही तो नहीं है, ब्लू है। ये रही स्कूटी। हेलो, ये स्कूटी पे बैठ के आ रही है। है क्लाइंट्स भी हमने अटेंड कर लिए हैं, अब हम फ्री हैं। तो मेरे अपर लिप्स आ चुके हैं, तो आज अपर लिप्स कर देते हैं। तो अपर लिप्स के लिए मैं ब्राज़ीलियन वैक्स गर्म कर देती हूँ। गए अपर लिप्स, आप देख सकते हो मूछें कंप्लीट हो चुकी है और आ भी गई है। थोड़ी सी बाकी है, वो एक दो बार मैं प्लकर से निकाल देती हूँ। ठीक है ना, तो अच्छा है लेकिन दिख रही है। हम मैं अभी आगे आई हूँ और आगे शुगर के जो भी टेस्टर्स नहीं है प्रोडक्ट के, क्योंकि आप चेक कर नहीं पाते हो। कितने प्रोडक्ट्स तो ऐसे होते हैं जो मैं आपको दिखा ही नहीं पाती, क्योंकि टेस्टर होंगे तो ही दिखा पाऊँगी। तो अभी सारे मैंने और हैप्पी बहन दोनों ने मिलकर सारे टेस्टर के नाम लिखे हैं और उनकी पूरी रिपोर्ट आगे भेजी है। और थोड़ा बहुत जो भी आगे शॉप का काम है वो मैं आपको क्या काम है हमें क्या है वहाँ पे नहीं पानी। अरे पहले फोटो भेजा, वो भेजना मत। तो अभी हम जा रहे हैं घर पे। चिकू आ गए लेने के लिए। चिकू पानी के बहाने आए थे तो मेरे को लेके भी जा रहे साथ साथ में। चलो सब ब्लैक ही ब्लैक भी सब। और मैं आपको थैली भी लेके जा रहा। योगा मैट, योगा तो नहीं हो रहा है। अरे चिकू पापा चाबी लेके चले गए होंगे। अच्छा आपको भी हिमायरा, हिमी आशु बेटा, आशु आशु चिकू पे की आवाज सुनी है। चलो ये पकड़ लो, घर पे जाना है। आपने मैं योगा पूरा कर लिया। चलो हिमी, अरे तू बीकेल करेगी, यहाँ योगा थोड़ी करेंगे। ए यहाँ पे हम क्या करते हैं? अच्छा ये अभी बैठ के करके बताएगी, वो कुछ ना कुछ करेगी। शर्म आ गई, ये भी बताती कुछ ना कुछ करके हम करते हैं। ये वापस यूं नहीं यूं करके हाँ। वो करती है 100%। मतलब कलो वो चाचा गए, हाँ चाचा गई ले चाचा गई। हाँ अब कैसे करते हाँ मैं ये पकड़ लेती हूँ। हाँ अब कर लो, काट दो या एक्सरसाइज कर दो। एक्सरसाइज कैसे करते हो? कलो एक्सरसाइज करते हो तो आज आपकी मम्मी मां से लग नहीं जाती कर दे। ओहो गचलो। चलो ये ले लो, पकड़ लो, अपने जाना है। शाशा को देख के शर्म आ रही थी। फोन था इसके हाथ में, चिको ये कहती है अब तो हाँ। पकड़ लो, घर ले जाना है इसको। पकड़ लो ना। लाओ ना तो तुरंत लेके पकड़ लो, अभी जाना है घर पे। चलो दे इसको, दे दो, ऐसे बोलते बेटा, दे ऐसे नहीं बोलते। वाओ ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे, हाँ इसको ऐसे पकड़ लो। चलो ऐसे ऐसे, वो टेढ़ लो तो देखते रहिए, देखते रहिए। ओके बोल दो मम्मा को। अच्छा घंटी, ओके घंटी बजा दो। हाँ चलो पकड़ कैसे रखा है वापिस। हिमी अब अपन क्या करेंगे? योगा, ये बोलो योगा करके बता रही थी। योगा ओ ओ ओ, पैर भी टेढ़ा हो गया पर पकड़ेगी यही पकड़ेगी यही। चलो रूम खोलो, ये ले लेना तेरी। ओके योगा में डालते में योगा होनी चालू हो गई है। हाँ मेरा क्यूटी भाई, बाईश बाईश, नाचू 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 नाचू, नाचू नो है। हाँ चाचा गए, पीपी पीपी गई, चुप चुप। क्या बोल रहे हो आप? बाईश बाईश, ये बाईश बाईश है ना इसलिए बाईश बाईश। चलो थोड़ी देर तो बैठा गया मैट पर, अब इसको समेट देती हूँ, नहीं तो यहीं ये पूरी हो जाएगी मेरी मैट। खड़े हो जाओ मेरा, स्टैंड अप स्टैंड अप। ये क्या किया? ये काम, ये डांस हो रहा है हमारे साथ। बैठ जानी है। मैं और मम्मी बना रहे हैं भरवा टिंडे की सब्जी, और मैंने देखा कि चिकू तो आइसक्रीम लेके आए हैं। आइसक्रीम आ चुकी है। कौन कौन सा फ्लेवर लाया? एक तो ये बटर स्कॉच, मेरे को नहीं पाती है। एक ये फ्रूट बनांजा, हाँ ये अच्छी लगती है तेरे को। वो केक कौन रखा है? यानी मेरे ब्लॉग में मेरी उड़ा रहा है। तो यहाँ पर ये भरवा टिंडे की तैयारी हो रही है। टिंडे भर दिए हैं, ये तेल भी गर्म हो गया है। तो फ्रेंड जब तक टिंडे बन रहे हैं तब तक मैं आपको कुछ प्रोडक्ट बता देती हूँ जो हमारे शॉप पर अभी न्यू आए हैं। तो फर्स्ट ट्रायल मैं कर रही हूँ चिकू के ऊपर, तो ट्रायल करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। ये एम कैफीन की आई है कॉफ़ी, बिल्कुल भी नहीं। इसका जो मग है बिल्कुल कॉफ़ी की तरह दिखाया गया है, बट ये कॉफ़ी नहीं है। इसके ऊपर लिखा भी कॉफ़ी है। ये है एम कैफीन का बॉडी वॉश जो कि चिकू ने परचेज़ किया उनके खुद के लिए। इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और ये प्रोडक्ट हमारी शॉप पर अवेलेबल है। और इसकी पैकिंग कुछ इस टाइप से है, यहाँ से इसकी कैप ओपन होती है और यहाँ से हमारा बॉडी वॉश निकलेगा। तो ये जब ये कंटेनर जब पूरा ख़त्म हो जाए तब इसको हम कॉफ़ी कप की तरह यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो इसका बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट। ये बिल्कुल साबुन जैसा भी नहीं लगेगा, प्रॉपर कॉफ़ी की फ्रेगनेंस है, और कॉफ़ी हमारी बॉडी को एक्सफोलिएट करती है, उसी तरीके से ये बॉडी वॉश भी हमारी बॉडी को एक्सफोलिएट करेगा। अब मैं आपको अंदर बताती हूँ। खोल के तुम थोड़ा सा दे दो, तुम्हारे हाथ तो गंदे होंगे ना। तुमसे खुल गया, मुझसे नहीं खुला। अंदर बिल्कुल ब्लैक कॉफ़ी भर रखी हो ऐसा लग रहा है। और फ्रेगरेंस यहाँ तक भी आ गई। फ्रेगरेंस, मैं तो कॉफ़ी की इतनी बड़ी लवर हूँ, यानी आप बात ही रहने दो। पर पीती नहीं, वो बात अलग हो गई। पर बहुत ही शानदार खुशबू है। और तो उसी तरीके से एम कैफिन ने जो ये बॉडी वॉश बनाया है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर। और अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे प्रोडक्ट हमारी शॉप पर अवेलेबल हैं, तो आप इसको परचेज़ भी कर सकते हो। सेकेंड आ जाता है बॉडी स्क्रब। आप जैसे कि देख सकते हो बॉडी स्क्रब है ये, बट ड्राई स्क्रब है। और अगेन इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी क्या प्योर कॉफ़ी की खुशबू आ रही है। और ये स्क्रब हमारी बॉडी को एक्सफोलिएट करेगा और हमारी स्किन के अंदर एक अलग ही शाइन लाता है। और ये टैनिंग को मेन रिमूव करता है जो हमारी नेक पर, अंडर आर्म्स में, थाई एरिया में, एल्बो एरिया में और पूरी बॉडी पर जहाँ पर भी टैन आ रहा है या फिर डेड स्किन आ गई है। और इसको हम ड्राई स्क्रब को कैसे यूज़ करेंगे? डायरेक्ट नहीं, इसको हमें यूज़ करना है कोकोनट ऑयल के अंदर मिक्स करने के बाद, क्योंकि कोकोनट ऑयल भी हमको कौन सा ये यूज़ करना है, एक्स्ट्रा वर्जिन प्योर कोकोनट ऑयल। अगर हम किसी चीज़ को प्योर चीज़ के साथ यूज़ करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट अलग ही आता है। अब अगर आपको सजेस्ट करूँ तो कोकोनट ऑयल हमारे पास वाओ का भी अवेलेबल है एक्स्ट्रा वर्जिन, और ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का भी अवेलेबल है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ अभी। इसके साथ यूज़ करने में उस ऑयल के अंदर इसे मिक्स करना है और जेंटली बॉडी पे मसाज करनी है, रगड़ना नहीं है, जेंटली, क्योंकि इसका काम है स्क्रबिंग का, तो वो कर देगा। हमको ज़बरदस्ती जोर लगा के स्क्रबिंग नहीं करनी है, लाइटली करनी है, क्योंकि स्क्रब हमारी बॉडी पर ज़्यादा हमें रगड़ने पर रैश भी आ जाता है, तो रैश नहीं लाना है, लाइटली जेंटली स्क्रबिंग करनी है और उससे हमारी बॉडी पर टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगी। बॉडी का स्क्रब आप, फेस का स्क्रब आप बॉडी पर यूज़ कर सकते हो, पर बॉडी का स्क्रब फेस पर नहीं। तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। और टैनिंग की तो लगभग 90% लोगों को इशू रहता है टैनिंग का। और अभी समर्स चल रहा है, तो समर्स में तो टैनिंग होनी ही है, मुझे तक भी हो जाती है, क्योंकि मेरा भी गर्मी में आना जाना धूप में रहता ही है। तो आज हम इसको यूज़ करेंगे चिकू के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं। मैं थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, इसलिए टैन नहीं हो पाता। इसमें बताया गया है कि आप वीक में 2 टाइम्स तो यूज़ कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर। ये है हमारा प्रोडक्ट बेलाविटा ऑर्गेनिक। बेलाविटा ऑर्गेनिक के हमारी शॉप पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कल के ब्लॉग में, प्रोडक्ट्स आ चुके हैं ऑलमोस्ट। और ये है बेलाविटा ऑर्गेनिक का बॉडी वॉश है। इसकी भी फ्रेगरेंस, क्या ज़बरदस्त की फ्रेगरेंस है। ये बॉडी वॉश लाए हैं चिकू मम्मी के लिए और मेरे लिए भी लाए हैं, यानी पर एक बार मम्मी यूज़ करेंगे। अभी मेरे पास चल रहा है बॉम्बे शेविंग का, तो वो जैसे ही ख़त्म होता है फिर मैं यूज़ करूँगी इसका, बेलाविटा ऑर्गेनिक का। और इसके परफ्यूम्स भी आ चुके हैं। एक परफ्यूम मैंने लगाया था, क्या ही फ्रेगरेंस थी उसकी, शाम तक बहुत शानदार आ रही थी। तो सेकंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है। एम कैफिन ने बहुत ही अच्छी एक चीज़ दी है, स्पून भी दिया है साथ में, ताकि हमारा जो हैंड है अंदर नहीं जाए और प्रोडक्ट को डैमेज नहीं करे। फिर आ जाता है निकोलिप्स। ये प्रोडक्ट है बेलाविटा ऑर्गेनिक का, और ये प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था मेरे पहले व्लॉग में इससे। पर ये जो है हमारे लिप्स को एक्सफोलिएट करता है और ब्राइटनिंग करता है और स्क्रबिंग करता है। ये लिप बाम, लिप स्क्रब बाम है। इसको भी आप मंथ में, वीक में 2 टाइम्स ही यूज़ कर सकते हो, क्योंकि स्क्रब है इसलिए। और ये हमारे लिप्स का जो नेचुरल कलर है उसको वापस लाता है, और कलर, नेचुरल कलर है वो हमारे लिप्स को देता है। बहुत ही अच्छा स्क्रब है, मैंने भी यूज़ किया था पर्सनली, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो हमारे लिप्स ड्राई होते हैं और जो स्किन निकल रही होती है उसको अच्छे से रिमूव कर देता है। तो मैंने आपको बता दी है जो प्रोडक्ट हम हमारे घर के लिए लेके आए हैं। बाकी शॉप पे जाके तो आपको इसकी पूरी जब लिस्टिंग हो जाएगी तब आपको इस ब्रांड से इंट्रोड्यूस तो करवाएंगे प्रॉपरली। जो जो हमारे पास प्रोडक्ट आए वो तो मैं आपको दिखाऊँगी। तब यहीं पर प्रोडक्ट की बात तो होगी समाप्त। अब ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के कोकोनट ऑयल की पैकेजिंग है, इससे थोड़ा सा बड़ा है और ये छोटी साइज़ है, तो आप एम कैफिन के स्क्रब के साथ यूज़ कर सकते हो। अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी और मैंने देखा कि उसमें एक कमेंट आया कि आपने लिपस्टिक यूज़ करके वापस रख दी है, तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं मेरे शॉप से प्रोडक्ट बाय करके यूज़ करती हूँ, या फिर शॉप पर जो टेस्टर होता है वो यूज़ करती हूँ। मैं प्रोडक्ट यूज़ करके वापस रख के आपको सेल नहीं करूँगी। और मेरी शॉप पर ऑलमोस्ट चीज़ों के आपको टेस्टर मिल जाएंगे, क्योंकि हम अच्छे से कस्टमर को डिस्क्राइब करके फ्री वो प्रोडक्ट देते हैं। ये हमारे टिंडे की सब्ज़ी, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको कचरा लग रहा होगा, पर ये कचरा नहीं है, सब्ज़ी सबको इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी टिंडे की। ये बची नहीं थी, मेरे लिए थोड़ी सी बची थी, फिर मैंने सारी पोंछ के ले ली कढ़ाई से। और मैं अब कर लेती हूँ मेरा डिनर और यहीं पर कर देती हूँ मैं मेरा ब्लॉग है। एंड अगर आज का ब्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। ओके बाय।